हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम लोग बेसिक टॉपिक पेंटिंग से शुरू स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के सीखने के लिए। सबसे पहले हम लोग रिफ्रेश करेंगे, ये आपके हैबिट होनी चाहिए। उसके बाद स्टार्ट में जाएंगे, ये विंडो का अपना सॉफ्टवेयर होता है पेंट। और अगर यहाँ पे बाहर ही दिख रहा है आपको विंडो, जैसे हमने विंडो ऑप्शन में क्लिक किया ऑप्शन में, तो यहाँ पर पेंट दिख रहा है आपको। अगर यहाँ पर पेंट नहीं दिखता है तो आपको ऑल प्रोग्राम में जाना है, फिर यहाँ पर एक्सेसरीज लिखा है एक्सेसरीज में जाना है, और उसके बाद यहाँ पे पेंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद जैसे पेंट ओपन होगा, अब पेंट का जो पेजेस है वो छोटा दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से, इस पॉइंट से मूव कर सकते हैं कर्सर से, माउस से भी। और आप चाहो तो यहाँ से न्यू पेजेस भी ले सकते हैं, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर पुरानी फाइल को ओपन करना है तो यहाँ से पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हैं, अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, या अपनी उसी फाइल को अलग अलग नाम से सेव करना है तो हम सेवस से कर सकते हैं। एक ही फाइल को बहुत सारे फाइल बना कर रखना है तो यहाँ पे हम लोग सेवस भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं, कैमरा यूज़ करना चाहते हैं कैमरा यूज़ कर सकते हैं, इसको मेल के द्वारा सेंड करना चाहते हैं सेंड कर सकते हैं, डेस्कटॉप पर लगा सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं, डिटेल चेक कर सकते हैं इसकी। उसके बाद अब आता है हमारे पास होम मेन्यू। होम मेन्यू में क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पेंसिल का यूज़ करते हैं, देखो पेंसिल से हम कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जैसे यहाँ पे इरेजर नीचे, उसके नीचे इरेजर है, इससे इरेजर से हम लोग इसे मिटा भी सकते हैं। इसको बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल प्लस करते हैं इस तरह से, उसके बाद यहाँ पे पेंट भी हम लोग डाल सकते हैं। जो भी पेंट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है चूज़ करना है पेंट, वो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है ना, अगर इसके पीछे भी एक बार बैकग्राउंड में अगर हम पेज में कलर कर देते हैं, अगर नहीं चाहिए आपको पेज कलर तो आप कंट्रोल जेड से अनडू कर सकते हो। कंट्रोल जेड, जो भी हम गलतियाँ करते हैं, जो भी हमसे रॉन्ग हो जाते हैं हमारे हाथ से, उसको हम वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड का ऑप्शन बटन दबाते हैं, कंट्रोल जेड, वो अनडू के लिए होता है। ठीक है ना, रिटर्न करने के लिए। अगर वापिस हमें वैसे ही चाहिए जैसे हम लोग, जैसे बहुत सारे चीज़ें हम कुछ बनाते हैं, अगर हमको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए तो हम कंट्रोल जेड 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 करके हटा सकते हैं, और वापिस चाहिए तो कंट्रोल वाई 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 से हम लोग उन सब चीज़ों को लेके आ सकते हैं। बोलने मतलब ये कंट्रोल जेड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को, रॉन्ग चीज़ को हटाने के लिए, अगर रॉन्ग चीज़ ज़्यादा हट गया तो उसको वापस लाने के लिए कंट्रोल वाई का यूज़ करते हैं। कंट्रोल वाई तभी यूज़ होता है जब कंट्रोल जेड यूज़ होता है। पहले अगर हम कंट्रोल वी ज़्यादा यूज़ कर दिया तो कंट्रोल वाई से उस चीज़ को हम वापस लेके आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास, ये सारे हमारे पास कुछ शेप्स हैं, इन शेप्स को हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। जिस कलर को हमें चाहिए उस कलर को यहाँ पर चूज़ कर देना और उसी कलर को वो शेप्स रेडी हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग कलर भी डाल सकते हैं, इस पॉइंट से हम यहाँ से कलर कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी कलर पसंद करना है यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर उसके अंदर फील कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये वाला जो बटन दिख रहा है टेक्स्ट वाला, इसे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे कहीं पे भी अगर हमें कुछ लिखना है तो ए से, ए वाला टूल से हम लोग ए ऑप्शन से क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जैसे हमने कुछ लिखना है, जैसे डी डबल धूम इस तरह से लिख दिया, इसको हम सेलेक्ट करके बड़ा भी कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा, तुरंत यहाँ पर टेक्स्ट का अलग का टूल आ गया यहाँ पर, इसे साइज के बढ़ाने के लिए हो गया यहाँ पर इस तरह से, ये बोल्ड करने के लिए, होल्ड करने के लिए, ये इटैलिक करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, ये कर्व्स करने के लिए। अब यहाँ पे इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं, जैसे ग्रीन कर दिया इसको, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से, ये सारा स्टाइल चेंज करने के लिए, सारे बहुत सारे स्टाइल हैं इसके अंदर, इनको चेंज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद ये आपका मिनिमाइज बटन होता है, फिर दोबारा हम इस पर क्लिक करेंगे, जो हमारा सेंटर वाला ऑप्शन है इसे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये पेज को छोटा करने के लिए, पेज को बड़ा करने के लिए, मतलब मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज करने के लिए दोनों बटन होते हैं। ठीक है, उसके बाद इस वाला बटन से हम क्लोज कर सकते हैं। अगर हमें सेव करना है तो हम ऐसे सेव भी कर सकते हैं, नहीं करना है तो डोंट सेव कर सकते हैं, और कैंसिल अगर आगे काम करना चाहते हैं तो कैंसिल कर देंगे इसको, ताकि हम कंटिन्यू वर्क कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, अभी अगर हमको कोई कलर पसंद नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो एडिट में जाके हम लोग कुछ कलर, नए कलर भी बना सकते हैं हम लोग। यहाँ पे दो, वन कलर, वन कलर टू दिखाई दे रहा है। कलर वन जो होता है वो फील करने के लिए होता है, और कलर टू जो दिखता है वो पेज के लिए होता है। अगर मैं कलर टू में कोई ब्लैक कलर कर दूँगा, ग्रीन कलर कर दूँगा, और अगर मैं इसमें न्यू पेज लेके आऊँगा तो ये ब्लैक कलर का ही पेज दिखाई देगा हमको। ठीक है,
अब यहाँ पे भी एक ऑप्शन और है, यहाँ पे व्यू दिखाई दे रहा है आपको, इससे हम लोग मैग्नीफाई कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, पेज को बड़ा कर सकते हैं, पेज को छोटा कर सकते हैं, जो हमारा पेज है। और ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये वाला फाइल को छोटा करने के लिए, फाइल को बड़ा करने के लिए होता है, बीच वाला, ठीक है। और ये वाला पेज के जो अंदर वाइट दिख रहा है वो पेज होता है, और जो ये पूरा दिख रहा है ये पूरी फाइल होती है, ठीक है फ्रेंड। पूरे को फाइल बोलते हैं, और जो अंदर वाइट दिख रहा है उसको पेज बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। फिर यहाँ पे अगर रूलर चाहिए आपको तो रूलर ले सकते हैं, अगर आपको गाइडलाइन चाहिए तो गाइडलाइन ले सकते हैं, जैसे हमको देखना है कौन सा जो शेप बनाया है हमने कितने गाइडलाइन में आ रखा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। नहीं चाहिए तो क्लिक करके आप इसे हटा सकते हैं, फुल स्क्रीन चाहिए तो फुल स्क्रीन कर सकते हैं यहाँ से हम लोग इसमें से, और अगर आपको हटाना है तो यहाँ से क्लिक करके इसको हटा भी सकते हैं, डोंट सेव कर देंगे। अगर सेव करना तो यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, अगर यहाँ से भी हम लोग सेव कर सकते हैं, और एक और ऑप्शन होता है कंट्रोल एस, तो इससे भी ये हम लोग सेव कर सकते हैं, इस तरह का ऑप्शन आएगा। और फिर यहाँ पर डेस्कटॉप पर करना है तो यहाँ पर क्लिक करके इसको डेस्कटॉप पर कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे डूम DOOM एंड डूम पेंट कर दिया, और इसको सेव कर देंगे, वैसे क्लोज कर देते हैं। अब जब डेस्कटॉप पे देखेंगे तो यहाँ पे पेंट का टूल्स आ गया, आप चाहो राइट क्लिक करके इसको ओपन भी कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो, तो एडिट करेंगे तुरंत यहाँ पे हमारा पेंट टूल में शो करेगा। अगर हम इसे क्लोज करना चाहें तो क्लोज भी कर सकते हैं, अगर न्यू चाहिए तो नया यहाँ से लेके आ सकते हैं हम लोग पेंट स्टार्टिंग से दोबारा, और जो पुरानी फाइल है अगर उसको ओपन करना है तो यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे, और यहाँ से ओपन करके जो पुरानी फाइल है उसको ओपन कर सकते हैं। अभी डेस्कटॉप पे था तो यहाँ पे क्लिक करेंगे डेस्कटॉप और डूम पेंट के नाम से, और इस तरह से हम पुरानी फाइल को ओपन भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। और कुछ बेसिक टिप्स मैंने आपको बताया इसके अंदर, वो मैंने पेंट कर दें, इससे क्या होता है सबसे बड़ी बात, आपका माउस पे हैंड प्रैक्टिस हो जाता है पेंट के अंदर, और बेसिक चीज़ें भी हम लोग सीख जाते हैं पेंट के अंदर। तो कैसा लगा दोस्तों आपको आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहें। थैंक यू सो मच।